गुणगान तुझे ओठांवर आऊ दे, चरणी तुझा हे जीवन बाहू दे। मॉर्निंग गाइज, संदीप दिस साइड। अभी हम जो है आज आगरा टूर पे जा रहे हैं गाजियाबाद से। सो आगरा में हम जो है फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट कवर करेंगे। सो आपको ऑन द वे हम दिखाएंगे कि रोड कैसे हैं और वहां पहुंच के आपको जो भी साइड सीन हम करेंगे वो हम आपको शो करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। गाइस अभी जो है 8:15 हो रहा है और आप देख सकते हैं गाजियाबाद से आगरा डिस्टेंस 3 hours 30 minutes 205 kilometers 3.5 घंटे का है। तो यहाँ से गाजियाबाद से आपको आगरा जो है 3.5 घंटे दिखा रहा है। तो चलते हैं अभी वहाँ पे क्या क्या हम घूम आपको बताएंगे। आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है। सो बने रही है दोस्तों। इस बार भी हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही टॉकेटिव है, बात बहुत अच्छा करते हैं, सपोर्टिव है। हमको लेके जाएंगे आगरा। तो इन्होंने बताया था कि जो है अगर आप आगरा जाते हो तो रास्ते में मथुरा वृंदावन भी कर सकते हो, राइट। तो मथुरा वृंदावन अगर हम करेंगे तो उसके लिए 2 दिन चाहिए होता है, तो मथुरा वृंदावन तो नहीं हो पाएगा। नंदलाला जी चाहेंगे तो अगली बार फिर जाएंगे। तो अगर आप जाते हैं मथुरा वृंदावन आगरा तो एटलीस्ट आपको 2 दिन कंसीडर करना पड़ेगा। एक दिन आपको मथुरा वृंदावन में जितने भी वहाँ पे मंदिर है वो आप देख सकते हैं और अगले दिन आप आगरा जैसे कि फोर्ट वगैरह है वो सब आप कवर कर सकते हैं। तो इस टाइम हम सिर्फ आगरा जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन हम नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। ये ऑन द वे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, देखिए। सो चलिए चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तब से निकले तब से हमने और कुछ खाया नहीं, तो चलिए हम चलते हैं। गाइस ये सामने आप देखिए ये आगरा का टोल प्लाजा है, यहाँ से हमारा आगरा स्टार्ट। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही स्टार्ट होगा। See what comes my way, and I
लोग जो हैं ताजमहल के पास पहुंच रहे हैं और जो है आपको नीचे जो अब रिवर जा रही है वो यमुना नदी है, उसके ऊपर से भी क्रॉस करेंगे। आते हैं, ये पुल आ गया। गाइस फाइनली हम जो है ताजमहल पहुंच रहे हैं और यहां से आप देख सकते हो 7 मिनट 1.2 किलोमीटर है और ये है रोड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो है ताजमहल है, तो ये चल रहा है, अंदर चल के आपको दिखाएंगे। अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ताजमहल खुला है या नहीं है, वहां जाके क्लियर होगा कि वेदर इट इज ओपन। लोग यहाँ पे जो है ताजमहल में एंटर कर चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। ये जो है वेस्टर्न घाट है, मतलब पश्चिमी गेट की तरफ है, ये हम एंटर कर चुके हैं। ऐसे आपको यहाँ पे गाड़ी भी मिलेंगी, अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे तो इस गाड़ी में बैठ के आप पहुँच जाएंगे, बट जो मजा पैदल चलने में वो गाड़ी में चलेंगे। तो अभी हम टिकट काउंटर के पास पहुँचने वाले हैं। अभी जो है आपका मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी ऐसी है जैसे कि अप्रैल का जो महीना होता है, आइडियली जो गर्मी है वो होली के बाद स्टार्ट होती है, बट दिस ईयर इट्स टू मच ऑफ हीट। सो कोई ना, हम घूमने आए हैं तो घूमेंगे, गर्मी हो बारिश हो, जो घूमने वाले होते हैं सपाटे वाले वो तो घूमेंगे ही। तो टिकट यहाँ पे भी जैसे टिकट है वो ऑनलाइन बुक हो रही है, विंडोज टिकट नहीं है, तो ऑनलाइन टिकट है। ऑनलाइन टिकट से ही आपको एंट्री मिलेगी, बिना उसके आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए बंदा चल रहे हैं, हम एंटर कर गए, देखिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कृपया बंदरों से दूर रहें। अभी चलिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी चेकिंग है, अच्छी बात है। तो ये अंदर जा रहे हैं ताजमहल के पास, टिल दैट स्टे ट्यून्ड। जैसा ये भी बताया गाइड ने कि आप यहाँ से चलते रहेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास में दिख रहा होगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो है दूर होता चला जाता है। तो चलिए चलते रहिए, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जैसे भी बताया गया था कि मतलब सबको का आपको बताया अभी देखिए कितना खास लग रहा है, एकदम कितना नियर बाई लग रहा है, पास लग रहा है। हम जैसे धीरे धीरे हम आगे जाएंगे तो ये दूर होता चला जाएगा। देखिए आर्किटेक्चर,
जबरदस्त आर्किटेक्चर। चलिए और ये एंटर हो गए। देखिए अपने दीजिए पीछे लोगों को। अजय अजय पीछे सर, पीछे सर, अब चलिए। ये देखिए सामने आपका ताजमहल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ से हम एंटर किए थे, हम चल रहे हैं आगे। अंदर जाके हम देखेंगे, अंदर का हम आपको दिखाएंगे सारा। क्यों हम जो है ताजमहल के पास पहुँच रहे हैं, फैमिली के साथ में है। तो चलिए अंदर चलते हैं। रिनोवेशन का काम चल रहा है वन पिलर का, तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे एकदम। हम यहाँ से दूर से आए थे, बाहर जो है इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे हम ताजमहल के पास पहुँचे हैं एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो यही है ब्यूटी ताजमहल की। हम अंदर चलेंगे, अगर अंदर अलाउ होगा तो अंदर आप कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, और एल्स बाहर से ही आप देखें। देखिए ये गार्डन, टोटल 16 गार्डन हैं। एक गार्डन राइट साइड में है, एक गार्डन लेफ्ट साइड में है। चलिए के बाहर निकले हैं, तो अंदर जो है अलाउ नहीं था। जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे आप नहीं शूट कर सकते हैं, तो वो नहीं दिखाता। बाकी जो है अभी हम चल रहे हैं, जो आपका दर्शन देखिए ताजमहल, जैसे कि आपको दिखाया था हमने, देख सकते हो। एंड ये गार्डन आपका, तो चलते हैं। जो है ताजमहल देख के निकले हैं, और अभी एक्सिल गेट पर पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे जाके आपका आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। तो स्टे ट्यून। ये है हमारी नई गाड़ी, जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी से वापस भोपाल तक लेके जाए। ये
वैसे तो इस गाड़ी का भी अपना अलग सरप्राइज है। ताजमहल से बाहर निकले हैं और अभी आगरा फोर्ट जा रहे हैं। ताजमहल से आगरा फोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर है, 3 से 5 मिनट का रन है। तो आप ये दिखाओ तो ये फोर्ट दिख रहा है। स्टेट्यू ऑफ फोर्ट के अंदर हम जा रहे हैं। ये है फोर्ट आपका, तो भी हमें चलेगा अंदर। गाइस ये है आगरा फोर्ट, हम एंटर कर रहे हैं फोर्ट के अंदर। टिकट्स आपके यहाँ पे जो है 35 रुपीज पर पर्सन है। 35 रुपीज ये आप देखिए, वैसे आपको टिकट्स मिलेंगी, कोड स्कैन करके होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फोर्ट की जा रहा है जहांगीर का महल है। और ये सामने जो आपका गुंबद सा दिख रहा है, ये जहांगीर का बाथटब है। अब ये आपको अंदर लेके चलेंगे और बाथटब भी दिखाएंगे। ये आगरा फोर्ट का ही हिस्सा है। लाइट सिस्टम नहीं था, कैसे वर्क कर रहे थे। सो गर्मी में ठंडा
this was the landing place. ये जो है रोशन नगर, यहाँ की ठीक शाहजहाँ की बेटी है उनका, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन है। वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। ये उस समय का फाउंटेन होता था और यहाँ पे अंगूर के गार्डन्स होते थे। ये जहांगीर को मदिरा पान करने का बड़ा शौक था। तो आगे चलते हैं। देखे किंतु बी केयरफुल वॉच योर स्टेप्स। मीना मस्जिद, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू पूरा। उसके अंदर एक छोटा पास मीना बाजार शादी के टाइम में बंद किया था और यहाँ बनाया था फिश पार्क। ये गार्डन वाला पूरा एरिया 5 फीट डीप पॉन्ड था, कलरफुल फिश। ये है दीवाने खास, सब सबने देखा है। यहाँ पे जो गेस्ट आते थे उस टाइम पे उनको वेलकम किया जाता था और यहाँ पे राजा बैठते थे। और ये जो है पत्थर, किसके पत्थर, और वहां से आप उतार नहीं दिखा रहा गाइस। ये जो है आपका जोधा अकबर के टाइम पे जो मूवी अच्छी वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अकबर जो ऋतिक रोशन ने रोल प्ले किया था वो यहाँ पे थे और वो फेमस सीन था जहाँ पे वो 500 करोड़ों की बात होती है
ये उसी पॉइंट पे हम खड़े हैं। देखिए अब ये पॉइंट है वो, और यहाँ पे सारे वो सारे कंट्री और सारे लोग थे, ये सारा कुछ था यहाँ पे। तो ये जो है वो शूट का लोकेशन है जो तक करते हैं, जो बताया ये है आपका आगरा फोर्ट का एंड पॉइंट। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं जब एग्जिट है, अब यहाँ से हम मीना बाजार जाएंगे, देखेंगे क्या परचेज किया जा सकता है, कुछ अगर खरीद सकते हैं। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून। गाइस हम लोग जो है आगरा से भी निकल रहे हैं, मथुरा के लिए जहाँ मैं फतेहपुर सीकरी जाना था, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से जो है वो नहीं कवर हो पाया, तो अभी हम चल रहे हैं मथुरा। मथुरा में जो है जो भी मंदिर है वो दर्शन करेंगे, तो वहाँ पहुँच के आप फिर हम जो है अभी बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। तो वृंदावन में है मंदिर जो है, 9:30 बजे तक खुला रहता है, तो अभी हम चल रहे हैं। अगर वहाँ पे होगा ज़रूर शो करेंगे, और इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। चल रहते हैं।